हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे हाथ में है एक बैटरी 12 वोल्ट की जो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, डेड हो चुकी है बैटरी। तो मैंने इसे 2014 में ख़रीदा था, तो फ्रेंड्स ये अब तक बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और ये मेरे एक साइड में पड़ी हुई थी। इसको मैं ना तो चार्ज कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, तो ये इसी प्रकार से ख़राब हो चुकी है। तो इसको वापस हम रीन्यू करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो वोल्टेज है वो बिल्कुल ही कम है, मतलब जीरो जीरो पॉइंट के बाद आ रहा है। तो मतलब हमारा यूज़ नहीं हो सकता वो कुछ भी, और ना ही ये चार्ज हो रही है बैटरी। मैंने चार्ज लगा के देख लिया इसको एक बार। तो फ्रेंड्स आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें चार्ज पहले मल्टीमीटर के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप, इसमें 0.42 वोल्ट आ रहा है। तो मतलब ये बिल्कुल ही कम है, इसमें हम यूज़ नहीं ले सकते इसको, ये हमारा कुछ भी काम नहीं आ सकता, चलेगा नहीं हमारा कुछ भी। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका बैटरी का जो ऊपर का कैप है उसको आपको खोलना है। तो खोलने के लिए आप पेचकस या फिर चाकू का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो आपको दोनों पॉइंट से इसको हल्का हल्का से ऊपर से उठाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना वरना कैप टूट जाएगा। इसको धीरे धीरे ऊपर से उठाना है, ठीक है। जैसे कि आप मोबाइल वोबाइल जो खोलते हैं ना, उसी प्रकार से इसको खोलना है धीरे धीरे। तो इसी जगह से खोलिए जहाँ से मैं वीडियो में खोल रहा हूँ। अगर दूसरी जगह से आप खोलेंगे तो ये बैटरी नहीं खुलेगी, और अगर खोलने ज़बरदस्ती खोलोगे तो बैटरी पूरी टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आराम से खोल लीजिए। इसमें ये मैंने खोल लिया इसको ऊपर का कैप। इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें जो सिक्स हमारे छः जो हमारे कैप दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे वाले, तो हम इसको वापस से खोल लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाले जो है कैप छोटे छोटे रबर वाले, इनको हम खोल लेंगे, ठीक है। तो इन ये हमारे जो छह सेल है जिनसे मिलकर हमारी 12 वोल्ट की बैटरी बनती है, ठीक है। तो ये जो मैं इसके सारे कैप खोल लेता हूँ, सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे इसी प्रकार से खोलना है आपको वीडियो में। इसके बाद जो आप देख रहे हैं इसमें जो टिश्यू लग रहे हैं, टिश्यू पेपर, इसको भी हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जो ये सेल है ये पूरी तरीके से, इसके अंदर जो लिक्विड था कंपनी ने डाला था वो पूरा सूखा चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है अब। तो अगर आप इसे हिला कर दिखाओगे, आप हिलाते हो उस बैटरी को, तो ये कोई रेत या फिर कंकर हुआ पड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो आपको अब क्या करना है, तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको करना है, मैं जैसे एक मग में मैंने इसमें पानी भर लिया है, मतलब जो हम पीते हैं पानी, जो नॉर्मल पानी होता है वो वाला पानी, और इसके अंदर मैं एक चम्मच भर के नमक डालूंगा, ठीक है। जो हमारा घर में यूज़ होता है वो वाला नमक डालना है इसके अंदर, कुछ और दूसरा नहीं डालना। इसके बाद इसको मिक्स कर लेना आपको अच्छे से चम्मच के द्वारा। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक सिरिंज लेनी, जो हमारा इंजेक्शन होता है उसका यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसको मैं पूरा भर लेता हूँ इस, और इस बैटरी के जो हमारे सेल है उसके अंदर हम इसको डालेंगे पानी को। तो इसमें डालने के लिए मैं यहाँ पर एक नली जो होती है हमारी, वो नली का यूज़ कर रहा हूँ, तो ताकि इसमें पानी डालने के लिए आसानी हो हमारे। तो फिर इसमें हम इसको अंदर डाल देंगे नली को, और जो हमारा हमने पानी है, जो हमारा साल्ट वाला पानी, नमक वाला पानी, इसको पूरा अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना ये बाहर लीकेज ना हो जाए, आपको थोड़ा पूरा भरना इसे, लेकिन बाहर ना निकले इसलिए, क्योंकि नीचे गंदा हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। इसको पूरा भर लीजिए। तो फ्रेंड मैंने इन छह सेलों में हमने पानी डाल दिया इसके अंदर, जो हमने थोड़ा थोड़ा इसको खाली रखा ऊपर से, ताकि हम केप लगा सकें इसके बाद। तो फ्रेंड जैसे ये जैसे देख रहे हैं आप, इसमें जो रबर के केप है इसको हम ऊपर से लगाएंगे। तो उसे लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर केप को थोड़ा सा ऊपर से होल कर देंगे इसके ऊपर से एक। तो आप चाकू या फिर किसी का भी यूज़ करके इसके ऊपर होल कर देंगे, और इसके बाद हम इसका इसको अंदर लगाएंगे केप को।
ठीक है, आपको इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बस हल्का सा होल करना है ताकि जो अंदर अगर गैस बनती है हमारी बैटरी के अंदर तो वो हमारी बाहर निकल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, इसको हम लगा देंगे यहाँ पर। तो ऐसे ही जो हमारे और कैप भी है उसके अंदर भी हम ऐसे होल करके इन सबको ऊपर लगा देंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मैंने ये सारे के सारे केप लगा दिए हैं यहाँ पर। इसके बाद जो हमारे बैटरी का बड़ा वाला ढक्कन है, जो केप है इसका, इसको अपन ऊपर से फिट कर देंगे। तो इसको वापस से मिलाकर इसको ऊपर लगा देंगे, उसको चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आराम से लग जाएगा, फिट हो जाएगा। और अब इसको क्या करना है, हमें चार्ज लगाना है बैटरी को। तो हम जो दोनों टर्मिनल है इसको हम 12 वोल्ट से यहाँ पर चार्ज लगाऊंगा। मैं यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको 12 वोल्ट से चार्ज करेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसको 12 वोल्ट तो जो सप्लाई, इसको यहाँ पर दोनों टर्मिनल पे लगा देंगे, जो प्लस वाला है वो रेड वाले पे और जो माइनस वाला है वो ब्लैक वाले पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड मैं इसको यहाँ पे 10 मिनट के लिए चार्ज लगा के छोड़ चुका हूँ। 10 मिनट के बाद इसको मैं वापस से आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इसे चार्ज कर लिया, मैंने 10 मिनट के लिए, ज़्यादा देर तक मैंने नहीं लगाया इसको, 10 मिनट ही रखा है मैंने इसको चार्ज। तो अब मैं आपको इसकी वोल्टेज जो बता देता हूँ वापस से चेक करके, जो हमारी ये बैटरी चार्ज हो चुकी है। जो पहले की हमारी जो बैटरी थी मैंने उसे चार्ज लगा के देखा था, तो फ्रेंड वो चार्ज नहीं हो रही थी। अब मैंने उसे 2 घंटे तक रखा लेकिन वो चार्ज नहीं हो रही थी। मैंने यहाँ पर 10 मिनट इसे चार्ज लगा के रखा, तो ये हमारी 4.85 वोल्ट हमारा चार्ज हो चुका है फ्रेंड्स, मतलब 5 वोल्ट के आसपास ही हमारा हो चुका है। तो थैंक यू फ्रेंड पूरी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।